Hello dear learner, I am Manish, your physics teacher. I welcome on physics tutorial. आज काफ़ी शानदार टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो अर्लियर क्लासेस में हमें पढ़ाई जाती है, पावर ऑफ लेंस। हम सभी क्लास टेंथ में पढ़े होते हैं, इवन अंडर टेंथ में भी पढ़े होते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, लेकिन फील नहीं आता है। बस एक डेफिनेशन से हमारा काम चल जाता है या टीचर काम चला लेते हैं। वो क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो ये हमें बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन से बताई जाती है, पी इज इक्वल टू 1/f, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 100/f। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये कब लागू है। पूरी जानकारी होनी चाहिए, जब क्लास हमें आगे बढ़ना होता है, चीज़ों को अच्छे से सीखनी होती है। तो एक्चुअल में ये कब वैलिड है, ये अभी बताने वाले हैं कि अब वैलिड है। थोड़ा सा फील लेते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, फिर आते हैं वहाँ पर। तो पावर ऑफ लेंस एक्चुअली होता क्या है, वो तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक शॉर्ट डेफिनेशन कह सकते हैं, जिसे फील नहीं आता है। लेकिन अगर फील लेना हो तो एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस का मीनिंग है कि कोई भी लेंस कितना लाइट रे को डाइवर्ट्स कर रहा है, यानी कितना फैला दे रहा है, या उसकी कितनी कैपेसिटी है वो लाइट रे को फैलाने की। दूसरा कि अगर कोई लेंस कितना कन्वर्ट्स करा रहा है लाइट रे को, यानी कितना आकर के एक जगह मीट करा रहा है, इस लेंस के ही पावर को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको डेफिनेशन अब थोड़ा सा इन्हांस हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला ये है, ये तभी वैलिड है जब आपके लेंस के सराउंडिंग्स में, यानी दोनों तरफ क्या हो, एयर हो। ये मान लीजिए आपका लेंस है और इसके सराउंडिंग्स में क्या हो, एयर हो। दोनों ही तरफ अगर एयर है तब तो ये वैलिड है, और ऐसा काम करते भी हैं लेंस। टेंथ क्लास तक हमारा क्या होता है, कहीं भी मीडियम की बात नहीं की जाती है, सिर्फ एयर में काम होते हैं तो एयर की बात होती है। अगर यही लेंस किसी लिक्विड मीडियम में डाल दी जाए, ये मान लीजिए वाटर है, और इस वाटर वाले मीडियम में अगर हम, या दूसरा लिक्विड आप बात करें जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है इस मीडियम की, तो इसमें अगर लेंस को डुबो दिया जाए तब तो क्या होता है, फोकल लेंथ का जनरल अगर फॉर्मूला की बात करें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाता है म्यू बाय एफ। पावर का पता होता है, यूनिट डायोप्टर होता है ना, और ये कब लगाना होता है, जब ये फोकल लेंथ किस में गिवन हो हमें, ये मीटर में जब गिवन होता है तब, और ये वाला फॉर्मूला कब, जब सेंटीमीटर में गिवन होता है फोकल लेंथ, तब 100/f लगाते हैं, ठीक है। अब अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, एक्चुअल में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो फोकल पावर होती है, ये लेंस के सरफेस की पावर होती है, यानी कोई कितना कर्व है इस तरह का है या कोई भी, लेकिन अगर सरफेस प्लेन हो तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस हो, एक ऐसा होता है प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ऐसे बात कर, तो प्लेन सरफेस है तो उस सरफेस का पावर क्या होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इसका, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पावर इसका क्या हो जाता है, जीरो। तो याद रखना है पावर क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है, किसके, प्लेन सरफेस के। और अगर किसी मीडियम की बात करें, लेंस अगर किसी मीडियम में डुबा दिया गया है तब तो पावर म्यू बाय एफ हो जाएगा। और अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो आता है म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सर ये, हाँ ये वही लेंस मेकर फॉर्मूला जो क्लास टेंथ में पढ़ाई जाती है उसी के जैसा, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है उसमें। ये लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लेंस का, और म्यू एम क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आर वन, ये जो सरफेस देखते हैं ना हम लोग, ये लेंस का दो सरफेस जो देखते हैं, इसका अपना अपना क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक का आर वन है, दूसरे का आर टू है।
अगर यही प्लेन हो जाता है तो आर टू हम क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आज कुछ इन्हांस हुआ होगा पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, और ऐसे इस पे हर एक साल नीट और जेई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा इन डिटेल किया जाए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी, इस पे क्वेश्चन भी लेके आएंगे नीट जेई से रिलेटेड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।